अर्जू, यहीं पर हूं, आ जाओ। ये यहां क्या कर रहा है? इसलिए कि तुम्हें आज यहां पर एक चीज चुननी होगी। क्या चुनना होगा? तुम्हें पता है इस संदूक में वो सारे खत हैं जो बाबा ने तुम्हें इतने सालों में लिखे और तुमने आज तक एक भी नहीं खोल के देखा। कुछ ना सोचो और इसे खोलो। नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं नहीं होने दूंगी, मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। या अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं कैसे रोकूं ये सब कुछ, मैं क्या करूं मेरे अल्लाह। भाई आप आ गए, मैं बहुत खुश हूं, आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया मेरी जान। मुबारक हो अजान साहब। शुक्रिया आयशा गुल। मॉम, मैं तुम्हें इस काम के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मुझसे पूछे बगैर कदम उठाया है, मरा हुआ मुंह देखोगे अब तुम लोग मेरा। अल्लाह ना करे आलिया साहिबा, कैसी बातें कर रही हैं तुम? बीच में मत बोला करो आयशा गुल। तुम क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो तुम? अल्लाह माँ का दिल दुखाने की सजा देता है। मॉम आप भी ना, हाथ खोल के खड़ा हो जाओ। क्या आप बेहोश भी होना चाहेंगी? या फिर हम ये बात करें कि शादी की दावत कहाँ और किस जगह होनी चाहिए? हाँ, गुड मून भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आप कहें कि घर पर करनी है तो ठीक है। नाजली को भी वैसे कोई एतराज नहीं है, तो हम यहीं घर पर कर लेंगे दावत। बिल्कुल बेटे बिल्कुल, अब तो इस घर में वही होगा जो नाजली चाहेगी। लेकिन पहले तुम अपनी माँ की मगफिरत के लिए काम कर लो। मोहल्ले की मस्जिद में जाओ और मेरे नाम की दुआएं खैर करवा लो, क्या पता कुछ भला हो जाए मेरा। देखो बेटा, ये है तुम्हारी बहन आरजू जो आज पैदा हुई थी। आरजू मेरी जान। नाज़ली मेरी बेटी, घर में तुम्हारा कमरा तैयार है। जब तुम बड़ी होगी तो मुझे पूरा यकीन है एक दिन तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी। तुम्हारे बाबा। प्यारी बेटी मेरी जान, अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम्हें समझ बूझ आ गई है। तुम्हें पैदा हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मैं तुम्हें गले नहीं लगा सका। दुनिया घूमती रही और दिन गुजरते रहे। बहुत सारे बच्चों ने पहली बार बाबा भी कहा, और मुझे सिर्फ ये इंतजार है कि तुम मुझे बाबा कब कहोगी। तुम्हें देखना है, हर वक्त मेरी आंखें सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करती हैं बेटा। बस अब तुम आ जाओ मेरे पास। बेटा, आलिया एकिनसोई ने जो इल्जाम मुझ पर लगाया, आरजू के पैदा होने से इसकी कुछ तकलीफ कम हुई है। तुम और तुम्हारी माँ की तकलीफ मेरे दिल में बस गई है और नहीं निकलती। हमारी जिंदगियों को इन्होंने बर्बाद किया है बेटा। आरजू, नाजली, अब तुम्हें सब पता चल गया है। फर्ज करो बाबा इंतकाम लेने से पीछे हट जाएं, लेकिन क्या तुम उस औरत को कभी माफ कर पाओगी जिसने तुम्हारे सर से बाप का साया भी छीन लिया और मां की मौत की वजह भी बनी?
क्या औजान की मोहब्बत इस बात को बदल सकती है? नाज़ली, नाज़ली, कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अर्जू, ये मेरा मसला है।